हेलो एवरीवन, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशंस के बारे में कि मल्टीपल इंटीग्रेशंस क्या होते हैं। तो जनरल नॉर्मल इंटीग्रेशन हम सबको पता है कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो उसी तरीके से जैसे इसका नाम ही है मल्टीपल इंटीग्रेशन, मल्टीपल मीन्स एक से ज्यादा, कि किसी क्वांटिटी को आप एक ही टाइम पर एक से ज्यादा क्वांटिटीज की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग वन वेरिएबल कैन बी एक्सटेंडेड टू द फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। This generalization of definite integrals is known as multiple integration, multiple integrals. इसने कहा कि आप अब सपोज कि जनरल इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो जनरल इंटीग्रेशन होता है मान लेते हैं y बराबर fx, यानी कि एक वेरिएबल है y जो कि किसी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर आपको लिमिट पता है तो ये डेफिनेट होगा, लिमिट नहीं पता तो इंडेफिनेट होगा, सिंपल ये था। लेकिन इसका एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल जो है वो है मल्टीपल इंटीग्रल्स, यानी कि यहां पर जो आपका फंक्शन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और हम एक ही टाइम पर उन सभी वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जनरली हमारे पास दो टाइप के मल्टीपल इंटीग्रल्स है, पहला डबल इंटीग्रल्स और उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल्स। तो नाम से ही क्लियर है, डबल इंटीग्रल्स का मतलब है डिपेंडेंस ऑन द टू वेरिएबल्स एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स का मतलब क्या है, डिपेंडेंस ऑन द थ्री वेरिएबल्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और उनके कुछ क्वेश्चंस आज हम यहां देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो डबल इंटीग्रल्स समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां एक टू डायमेंशनल स्पेस में एक सरफेस लेते हैं एस, कुछ इस तरीके से, सपोज इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस y-axis. Now, ये जो हमने सरफेस लिया कुछ इस तरीके से कंसिडर की है कि लेफ्ट और राइट में तो दो स्ट्रेट लाइन से आपके बाउंडेड है जो कि है x बराबर a एंड x इक्वल्स टू b, और ऊपर और नीचे से अब जाहिर सी बात है भाई लेफ्ट और राइट में तो x की लिमिट चलेंगी और ऊपर और नीचे किसकी लिमिट चलेंगी, y की। तो ऊपर अब ये टू डायमेंशनल स्पेस है, मीन्स y could be represented as a function of x, कि y को एक x के function की form में मैं represent करना होगा। तो ऊपर और नीचे की जो limit है वो हमने मान ली y बराबर f1x and y बराबर f2x, यानी कि ये जो आपकी सरफेस s है ये left और right से तो bound है दो straight line x बराबर a and x बराबर b से, लेकिन ऊपर और नीचे से दो curves से bound है जो कि है f1x and f2x। अब ये कर्व जरूरी नहीं कि कर्व ही कोई स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है यहां पर, बट कर्व से हमारा कहने का मतलब ये है कि ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, उस फॉर्म में हमने यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया है। तो जो इसका जो डबल इंटीग्रेशन होगा s f x y ds, क्योंकि हम तो यहां सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा, देखिए 0 a टू b ये लिमिट चली x की, f1x टू f2x ये लिमिट चली y की, fxy dx dy। अब यहां आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी वेरिएबल के साथ पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी के भी साथ बाद में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मींस आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हैं कि भाई हमने x की जगह पहले y की रिस्पेक्ट में इसको हमने इंटीग्रेट करवा दिया और फिर जो आंसर आया फाइनल लिमिट रखने के बाद उसको y के साथ, या फिर अगर आपकी सुविधा कुछ और कहती है, आप कहते हैं कि आपकी जो कंफर्ट जोन है वो कहता है कि भाई y की रिस्पेक्ट में बाद में करो, x की रिस्पेक्ट में पहले कर लो, तो आप वो भी कर सकते हो, यानी कि f1x f2x को अलग रखिए और dy, आप किसी भी तरीके से पहले या बाद में इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप एक टाइम पर y को इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x शुड बी कॉन्स्टेंट, और अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y शुड बी कॉन्स्टेंट, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। और दूसरा चीज, ये दोनों आपको इस तरीके से चूज करने के, आपको पहले x के रिस्पेक्ट में करना है या पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, ये आपको इस तरीके से चूज करना है कि आपका जो
एक बार इंटीग्रेट करने पर कोई एक वेरिएबल बिल्कुल फ्री हो जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल। यानी कि अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका इस इंटीग्रेशन के बाद y खत्म हो जाए, यानी कि जो फंक्शन है उसमें केवल x बचे, या फिर अगर आप x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो कि वहां पर x बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए, केवल केवल y बचे। तो आइए अब देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन यहां पर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं पहले मैं समझाने के लिए, कि इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई 0 टू x sin y dy dx। ये sin y का इंटीग्रेशन आपको करना है dy dx, y और x के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या रखें 0 टू पाई 0 टू x। अब सबसे पहले हमें ये चूज करना है कि किसकी रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया जाए। तो यहां देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं sin y dy एंड देन dx, तो यहां पर क्या होगा, जब आप y के फॉर्म में इंटीग्रेट कर देंगे इसको और जब लिमिट रखेंगे 0 टू x, जब लिमिट रखी जाएगी तो y एलिमिनेट हो जाएगा पूरे तरीके से और बचेगा क्या, केवल x करने के लिए। अब यहां पे लेकिन अगर आप x के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं तो sin y को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, फिर लिमिट रख के भी क्या होता है कि x और y दोनों चलते हैं, तो इस वजह से हमने पहले y के साथ यहां पे इंटीग्रेट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई एंड वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ sin y व्हिच इज माइनस cos y, माइनस cos y 0 टू x dx। तो यहां पर हमें मिला, तो ये आपको मिल गया 1 माइनस cos x लिमिट रखने के बाद, तो 1 माइनस cos x ये होगा। अब आप जब इसको दोबारा से यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस साइन एक्स 0 टू पाई, देन व्हाट इज द फाइनल आंसर, पाई माइनस साइन पाई एंड माइनस 0 माइनस साइन 0, एंड वी नो व्हाट इज साइन पाई, साइन पाई इज 0 एंड साइन 0 इज 0, देन वी गेट ओनली पाई। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई पाई। तो सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, कोई टिपिकल चीज नहीं, जनरली जो रूल्स आप सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए फॉलो करते थे बस वही सारे रूल यहां फॉलो होंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो ये देखते हैं इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां इसने कहा इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यानी कि जो हमारा इंटीग्रल है वो वैरी कर रहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इस तरीके से। तो ये हमें यहां पर क्लियर है कि जो हमारी एक्स की लिमिट है वो कहां से कहां तक जा रही है, 0 टू ए, यानी कि एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू ए एंड वाई वेरीज फ्रॉम, और जो वाई वेरी करेगा वो 0 टू ये चीज। तो यहां से y की हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो आपके y की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि y वैल्यूज फ्रॉम रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी y की रेंज। तो अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, यहां पर एरिया कैलकुलेट, सॉरी डबल इंटीग्रल यहां पर हम इसका कैलकुलेट करना है एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो यहां देखिए डबल इंटीग्रल ए एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू एक्स की लिमिट 0 टू ए, वाई की लिमिट 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब यहां देखिए, अगर मैं x की रिस्पेक्ट में पहले वो करता हूं, x की रिस्पेक्ट में अगर मैं पहले करता हूं यहां पर इंटीग्रेट, तो 0 टू ए एक्स खत्म हो जाएगा, y बचेगा, फिर y की रिस्पेक्ट x खत्म हो जाएगा, फिर y की रिस्पेक्ट में जब करूंगा तो जो लिमिट आएगी उसमें फिर भी वेरिएबल
लिमिट रखने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें फिर भी वेरिएबल एक्स मुझे दिखेगा तो प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। तो पहले हम यहां करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ताकि वाई एलिमिनेट हो जाए और हमारे पास बचे केवल केवल एक्स। तो यहां देखिए अब 0 to a इंटीग्रल 0 to √a² - x² y dy और x dx हमने बाहर ले लिया। तो जब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y एलिमिनेट वो इंटीग्रेट किया तो हमारे पास बचा y² / 2 0 to √a² - x² एंड x dx। तो फाइनल जो हमारे पास आया है यहां पर हम 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो जब लिमिट रखोगे तो आपके पास बच जाएगा a² - x² तो ये बचा हमारे पास फाइनल x a² - x² dx। अगेन विद रिस्पेक्ट टू x जब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो वी गेट a² x² / 2 - x³/3 0 to a। देन जब हमने लिमिट यहां पर रखी तो 1/2 a² into a² by 2 minus a³ by 3। तो इसको हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनल में यहां इसको कंप्लीट एक साथ करके लिख देता हूं, ये हो गया a⁴। अब 2 की भी अंदर इंटू करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 4 and 6। अब वो आपकी मर्जी है कि आप इसको एलसीएम करके एक करें, कॉमन निकालें, वो करें, वो आपके हाथ में है। मेन जो इसका सॉल्यूशन यहां तक आना था वो मैंने आपको लाकर दिखा दिया कि इसका सॉल्यूशन इजिली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर जब आगे अब हम देखते हैं इसके कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और यहां पर पॉइंट नोटेबल है कि जैसे कि इसने बोला था कि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही मूव करेगा केवल इधर, तो हमने इसके लिमिट ली 0 to a and 0 to this। अब अगर ये कंप्लीट सर्कल की बात करता तो लिमिट यहां चेंज होती एक्स की -a to a एंड वाई की लिमिट होती प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर वहां जाकर रूट बनेगा तो प्लस माइनस, यानी कि -√a² - x² से +√a² - x² तक। बाकी पूरा प्रोसेस सेम चलेगा बट लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो आइए अब देखते हैं इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए जैसे कि बहुत फेमस क्वेश्चन जो कई बार यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स पर रिपीट होता है कि फाइंड द डबल इंटीग्रल फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें डबल इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं, कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए डबल इंटीग्रल यहां फाइंड करने हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कर्व ले लिया AB जिसकी इक्वेशन है r = f θ। तो पोलर इक्वेशन हमने लिया क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ हमें काम करना है। तो यहां पर हमने इसके दो रेडियस वेक्टर माने OP और OQ इस तरीके से कि जो P के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो है r, θ एंड Q के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो है r + δr और θ + δθ। अब हम यहां क्या करेंगे, ये जो आपका एरिया है OQP यहां पर हमने दो सर्कुलर आर्क्स ली इस तरीके से K1L1 और K2L2। तो आपको यहां पर रिकॉल करना है जो अपने डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्वेचर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उन सब चीजों के बारे में यहां पर रिकॉल करना है, वही पूरा यहां पर अभी लगेगा शुरुआत में। तो एरिया अंडर द कर्व दिस K1L1 और K2L2 के बीच में जो ये एरिया है तो ये होगा K1 K2 L2 L1। तो ये जो एरिया है ये किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो ये सिंपल इक्वल हो गया हाफ r + δr² δθ - ½ r² δθ। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आइडेंटिटी खोल देंगे यहां पे a + b के होल स्क्वायर की, तो जो फर्स्ट टर्म बनेगी ½ r² δθ और ये ½ r² δθ वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा r δr δθ, क्योंकि यहां से निकलेगा 2ab वाले टर्म निकलेगी एक, तो 1/2 है तो प्लस 1/2
आर स्क्वायर डेल थीटा। अब देखिए डेल आर वैसे ही बहुत छोटा है तो डेल आर स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो गया, फिर उसमें डेल थीटा की भी इंटू हो गई तो और बहुत ज्यादा छोटी टर्म मिली, तो इसलिए हम इसको कर देंगे नेगलेक्ट। तो ये हो गया आर डेल थीटा बचा केवल, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो ये आ गया आपके इस जो आपने छोटा सा रीजन लिया था ओ क्यू पी के बीच में इसका एरिया। अब आपको अगर पूरे ओ क्यू पी का एरिया लेना है तो इसको आप यहां से लेकर वहां तक पूरे में मूव करवा दीजिए तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा रीजन का। तो देयरफॉर एरिया ओ क्यू पी इक्वल हो गया लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो सिग्मा आर डेल आर डेल थीटा, क्योंकि भाई ये रीजन आपने यहां लिया, ये यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। तो जितने भी इस तरीके के आपको रीजन मिलेंगे उन सबका हमने सम कर दिया, यानी कि लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो सिग्मा आर डेल आर इंटू डेल थीटा। मीन्स ये हो गया आपका इंटीग्रल जीरो टू एफ थीटा आर डी आर डी थीटा डेल थीटा इक्वेशन वन। तो कुछ नहीं करें, हमने बेसिक जो इंटीग्रल की डेफिनेशन है वो हमने यहां यूज कर दी। तो अभी तो ये हमें एरिया मिला ओ पी क्यू का, अब हमें एरिया चाहिए ओ ए बी का। तो जो ओ ए क्यू पी वाला रीजन लिया है वो आपने यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। तो अगेन उसके लिए हम क्या कर देंगे, लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो लगा के इसको सम अप कर देंगे यहां पर इसका अगेन। तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आया कि एरिया ओ ए बी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन में आपने इसका एरिया निकाला था वो क्या था, जीरो टू एफ थीटा आर डी आर डेल थीटा। तो अगेन इस पे सम अप लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका थीटा बराबर अल्फा टू बीटा जीरो टू एफ थीटा आर डी आर डी थीटा। तो ये है आपका डबल इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, कि डबल इंटीग्रल आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ये आएगा। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि हम इसको इजिली और ज्यादा एक्सप्लेन कर सके किस तरीके से हम यहां पे सॉल्व करना है इसको। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एवेलुएट डबल इंटीग्रल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर ओवर द कार्डियोइड आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा अबव द इनिशियल लाइन। मींस जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा कार्डियोइड है इस तरीके से, तो अबव द इनिशियल लाइन हमें इसको कैलकुलेट करना है। मीन्स एरिया हमें केवल इस रीजन में चाहिए, यही वही वैसे ही करते हैं, पी मान लिया, क्यू मान लिया, तो ये हो गया आर कॉमा थीटा, ये अंदर हो गया थीटा, फिर यहां पे हमने ले लिया एक छोटा सा डेल थीटा। तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमें इसका केवल यहां पर इस लाइन के ऊपर ऊपर इनिशियल लाइन है इससे ऊपर ऊपर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। मीन्स डबल इंटीग्रल में कैलकुलेट करना है यहां पे। तो सबसे पहले लिमिट देखते हैं कि लिमिट किस तरीके से वैरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है आर की लिमिट अब केवल यहां है, तो केवल देखिए इस तरीके से स्टार्ट हो गए ऊपर तक जाएगा। मीन्स आर जो वैरी करेगा वो जीरो टू ए वन प्लस कॉस थीटा इतना वैरी करेगा, और जो हमारा थीटा है थीटा वैरी करेगा जीरो टू कहां तक कंप्लीट, ये देखिए यहां से इस तरीके से पूरा घूम के पाई तक, नॉट आई थिंक नॉट पाई इज पाई बाई टू, नो पाई तक आर टू पाई हमारा वैरी करेगा, आर टू पाई वैरी करेगा, क्योंकि ये देखिए यहां से स्टार्ट होगा जीरो और फिर इस तरीके से घूम के पूरा पाई हमारा थीटा वैरी करेगा। तो अब लिमिट हमें पता चल गई, तो आइए शुरू करते हैं इसका डबल इंटीग्रल किस तरीके से होगा। ए मींस एरिया ऑफ दैट कार्डियोइड जिसके हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा डी थीटा डी आर इज इक्वल्स टू लिमिट्स जीरो टू पाई
एंड 0 टू a 1 प्लस cos थीटा r स्क्वायर sin थीटा d थीटा dr। आपने देखा यहां पर कि मैंने थीटा की लिमिट्स बाद में रखी हैं और r की लिमिट्स पहले रखी हैं, ऐसे इसलिए क्योंकि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा पहले इंटीग्रेट करता हूं तब भी मेरे फंक्शन में जो मेरा वो बचेगा उसमें r और थीटा दोनों टर्म्स होंगी। लेकिन डबल मल्टीपल इंटीग्रल्स में क्या होता है कि आपने जब एक बार इंटीग्रल करा तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो टर्म गायब हो जानी चाहिए, वो वेरिएबल गायब हो जाना चाहिए। तो तभी पॉसिबल है जब पहले आप करें आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब आप आर के रिस्पेक्ट में इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो जो आपके पास क्वांटिटी बचेगी उसमें केवल थीटा ही होगा, यानी कि आर गायब हो चुका होगा। तो हो गया जीरो टू पाई, तो साइन थीटा को हम अलग ले लेते हैं एज ए कॉन्स्टेंट, साइन थीटा बाहर आ गया, बचा क्या 0 टू a 1 प्लस cos थीटा r स्क्वायर dr एंड d थीटा। तो इसका तो हमें पता है बहुत सिंपल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r क्यूब बाय 3, 0 टू a 1 प्लस cos थीटा d थीटा। तो ये आपका सॉल्व हो गया 1 बाय 3, यहां a भी हमारा कांस्टेंट है वो भी बाहर निकलेगा, तो a क्यूब बाय 3 0 टू पाए 1 प्लस cos थीटा, यहां पे sin थीटा 1 प्लस cos थीटा का होल क्यूब sin थीटा d थीटा, यानी कि अब हमें केवल इसको इंटीग्रेट करना है एंड वी गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास ये क्वांटिटी बची थी, अब इसको हम क्या करते हैं यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं नॉर्मल जनरली जैसे डेफिनेट इंटीग्रल हम करते हैं। तो 1 प्लस cos थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जनरल इस टाइप का इंटीग्रेशन तो हम कई बार कर चुके हैं अपने 12th क्लास में, तो सेम वैसा इंटीग्रेशन यहां करना है। और sin थीटा को लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 d थीटा। तो ये हो गया मेरा, देखिए 2 की पावर 3 यानी 8, 8 और 2 16, a क्यूब अपॉन 3 0 टू पाई cos 6 पावर्स यहां से और एक पावर ये 7 थीटा बाय 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर थीटा बाई 2 को इक्वल मान लेते हैं किसी और क्वांटिटी सपोज फाइ के, इक्वल मैंने मान लिया तो यहां से मेरा डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 डी फाइ के। और अब जब मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया तो लिमिट भी चेंज होगी, तो जब आपका थीटा 0 है तो फाइ भी क्या होगा 0, लेकिन जब आपका थीटा होगा पाई तो आपका फाइ हो जाएगा पाई बाई 2 कॉस 7 phi sin phi into 2 d phi। तो phi यहां आ गया और 2 constant है इसलिए हमने इसको यहां बाहर भेज दिया 16 के पास। तो ये हो गया आपका 32 a cube by 3। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन हम बहुत इजी सॉल्व करते आए हैं, तो यहां हम क्या करेंगे cos phi को t मान लेंगे, तो sin phi d phi कन्वर्ट होकर dt में चला जाएगा, आपके पास आएगा t to the power 7 dt with a minus sign। तो ये हो जाएगा minus cos 8 phi upon 8 एंड लिमिट हो गई अब आपकी 0 टू pi by 2। तो ये बचा आपका 32 a cube upon 3 minus cos pi, तो cos pi by 2 हमारा क्या होता है 0, तो ये तो हो गया सीधा सीधा 0, अगेन माइनस माइनस प्लस cos 0 हमारा होता है 1/8। तो आपके पास ये हो गया 32 a क्यूब अपॉन 3 इंटू 1 बाई 8 यानी कि 4 a क्यूब बाय 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल जैसा इंटीग्रेशन हम करते आए हैं वैसा इंटीग्रेशन हमने किया है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल्स के बारे में, ट्रिपल इंटीग्रल्स क्या होते हैं और फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेचर्स की कि क्वाड्रेचर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। आज के लेक्चर के नोट्स और वर्कशीट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।